आज नीलेश भाई मुझे पुस्तकालय से सीख रूम पर चलने के लिए बार बार बोल रहे थे। कारण पूछने पर उन्होंने मुझे याद दिलाते हुए बताया कि आज संडे है। इतना सुनते ही मैं और नीलेश भाई अपनी अपनी पुस्तकों को बंद करके प्रकाश के बेग से मैस की तरफ चल देते हैं, क्योंकि संडे को हमारे मैस में पनीर पूरी और रसगुल्ले एक साथ खाने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग अपने मैस पहुँचते हैं, वहाँ पहले से खड़े हजारों भूखे युवाओं को देखकर मनाते हैं तो उदास हो जाता है। खड़े नीलेश भाई अब हमसे खाने के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है डिस्प्रेशन में, फिलहाल में डिस्प्रेशन से उभर कर कंटेंट की कमी से जूझता सस्ता ब्लॉगर अपने कैमरे का मुझे अंकल जी की कढ़ाई की तरफ मोड़ देता हूँ, जिसमें गर्मा गर्म पूड़ियाँ छानी जा रही थी। आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप दोना। ये सब भाई भाग्यशाली मानव हैं जिन्हें पूरी प्लेट और कुर्सी एक साथ प्राप्त हो गई थी। अवश्य ही पूर्व जन्मों में उन्होंने बहुत सारे पुण्य किए होंगे। ये सोचता हुआ मैं पनीर की सब्जी में पनीर खोजने की नाकामयाब कोशिश करने लगा। रसगुल्ले बहुत टेस्टी थे, लेकिन इसकी सुरक्षा में स्वयं पूतना आंटी बैठी हुई थी। इससे आक्रोशित नीलेश भाई अभी भी बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। गजब बेइज्जती है। थोड़ी ही देर में हम लोगों का संघर्ष रंग लाया और पनीर पूरी रसगुल्ला मेरी भी थाली में आ चुका था, जिसे भूखे भेड़िए की तरह हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया।